विधायक अगर बीजेपी की तरफ हो गए तो सरकार गिर जाती है। आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक विधायक बीजेपी ने खरीद लिए, विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और उस समय की स्थानीय सरकारों को गिरा दिया। आज वैसे ही बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और यह मेरा सीधा आरोप है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन की आड़ में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रही है, उन्हें डरा रही है, धमका रही है और दो ऑप्शन दे रही है। ऑप्शन नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो, और अगर पहला ऑप्शन नहीं पसंद तो फिर हम दूसरा ऑप्शन लागू कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है ईडी सीबीआई पकड़ के आपको जेल में डाल देगी। तो अगर अपनी स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी, अपनी आजादी प्यारी है तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो पकड़ के सीबीआई ईडी आप पर कोई भी मुकदमा दर्ज कर मनगढ़ंत आरोप लगाकर आपको जेल में डाल दे। ये दो ऑप्शन हमारे कई विधायकों के सामने बीजेपी रख रही है और साफ तौर पे कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का दामन छोड़ो, आम आदमी पार्टी की पीठ में छुरा भोंको और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आओ, ताकि हम इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सहारे अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरा दे दिल्ली में। ये भारतीय जनता पार्टी की नापाक कोशिशें दिल्ली में चल रही, ये लोकतंत्र से खिलवाड़ बीजेपी का देश की राजधानी में चल रहा है। दिल्ली वालों ने लगातार बीजेपी को नकारा है, पिछले 25 सालों से दिल्ली में दिल्ली सरकार बनाने के लिए जितने चुनाव हुए सारे चुनाव बीजेपी हारी। 25 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर। 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने पहला चुनाव दिल्ली का लड़ा, बीजेपी हारी। 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने दूसरा चुनाव दिल्ली में लड़ा, बीजेपी हारी। जब 2020 में आम आदमी पार्टी ने तीसरा चुनाव दिल्ली में लड़ा, बीजेपी हारी। आज बीजेपी हार हार कर भी सबक नहीं ले पाई। अब चोर दरवाजे से जोड़ तोड़ कर खरीद फरोख्त कर और केंद्रीय जांच एजेंसियों का, सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे विधायकों को बुलाकर बीजेपी के नेता कहते हैं कि अगर हम मनीष सिसोदिया का यह हाल कर सकते हैं तो तुम तो साधारण विधायक हो, तुम्हारा तो कितना बुरा हम हाल कर सकते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे एमएलए को साफ तौर पर कहा जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ या ईडी सीबीआई तुम्हारे पीछे लगा देंगे, पकड़ के जेल में बंद कर देंगे, फिर बेल भी नहीं होगी। सीधी धमकी हमारे लोगों को दी जा रही है और मैं इस सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी को, दिल्ली में 70 में से मात्र 8 विधायक होने के बावजूद भी सरकार बनाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने जो दगा दे दें दिल्ली के लोगों को या अपनी पार्टी को। आपने कई बार कोशिशें करी हमारे विधायक खरीदने की, 2013 में भी करी, 2015 में भी करी, 2019-20 में भी करी, 2022 में भी करी, लेकिन आप हमारे एक विधायक को नहीं तोड़ पाए। एक विधायक को, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसके विधायक डर के या प्रलोभन के चलते अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। यह आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी है। हम उस मिट्टी के नहीं बने कि हम अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी के पास चले जाएं और दिल्ली वालों से दगा कर लें। मेरा बीजेपी को यही सुझाव रहेगा कि ये नापाक कोशिशें बंद करिए। जनता के दिए गए फैसले का, चुनावों में जब जनता अपना मतदान देती है उस फैसले का अपमान मत करिए, उसकी कद्र करिए और जनता के फैसले को स्वीकार करना सीखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद
राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और आरोप लगाया है। किसी भी पार्टी से संबंधित वो स्पीकर को एक लिखित में चिट्ठी लिखकर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के पास 70 में से मात्र 8 विधायक हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाएगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन का तो अंत क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये तो पहले ही पता है उनको, लेकिन वो फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो खरीद फिरोत में लग गए, एजेंसियों का सहारे से लग गए, हमारे विधायकों को डराने धमकाने पे लग गए। ये सच्चाई है। आज हमारे बहुत सारे विधायकों को बीजेपी के कई नेता संपर्क कर रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं। आप कहेंगे तो आने वाले समय में हम अपने विधायकों को भी आपके सामने पेश करेंगे कि कौन से विधायक को कौन से नेता का फोन आया, वो सारे खुलासे भी आम आदमी पार्टी आने वाले समय में करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, जिस गंभीर आरोप की हम बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में सरकार गिराने की साजिश हो रही है और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी लाना चाह रही है उसके पीछे मंशा